फ्रेंड्स, मैडम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सभी के मन में ये सवाल ज़रूर घूम रहा है कि बजरंगी भाईजान चाइना में कितना कमाएगी और साथ ही बजरंगी भाईजान क्या दंगल का रिकॉर्ड तोड़ेगी या सीके सुपरस्टार का रिकॉर्ड तोड़ेगी या फिर पीके का रिकॉर्ड तोड़ेगी, राइट? क्योंकि ये तीन टॉप फिल्म है फिलहाल है, क्योंकि अगर मैं ये लिस्ट पर भी नज़र डालूँ, दंगल, पीके, बाहुबली, बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान रिलीज है, यानी कि तीन टॉप पे है, उसके सुपरस्टार भी अब चौथे नंबर पे चली गई है, यानी कि बजरंगी भाईजान फिर पांचवे पे आ गई है। तो कौन सी इन तीनों चारों फिल्मों का रिकॉर्ड क्या तोड़ पाएगी बजरंगी जान, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया है मेरे एक देखने वाले, और वो खुद आमिर खान के फैन हैं, लेकिन उन्होंने सलमान खान की फिल्म के बारे में जो चीज़ कही है वो मेरे माइंड में बहुत अच्छा आइडिया उन्होंने उस चीज़ ने क्रिएट किया है। और इनका जो कहना है वो मैं 110% मुझे एग्री हो रहा है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कह दिया तो मैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बोल दिया कि ठीक है आपने कह दिया तो हो गया, लेकिन नहीं, उनकी बातों में दम है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि पीके का रिकॉर्ड टूटेगा बट दंगल का मुश्किल है, ठीक है, ये उन्होंने कहा। मैंने बोला कि क्या आप श्योर हो, क्योंकि ये बड़ी बात है ना, क्योंकि अगर पीके का रिकॉर्ड तोड़ना है तो बजरंगी भाईजान को 205 करोड़ चाहिए होंगे, ये मैंने परसों ही आपको बताया था, और जब मैंने कहा तो वहाँ पे कंफर्मेशन भी दिया था कि चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इन्होंने डिटेल में मैंने बता पूछा कि भाई क्या आप सही में श्योर है पीके का रिकॉर्ड टूटेगा, या तो इन्होंने कहा कि बॉलीवुड क्रेज श्योर श्योर नहीं, मतलब ये श्योर तो नहीं है, लेकिन इनका आइडिया के हिसाब से उन्होंने साफ साफ कहा है कि बजरंगी भाईजान की स्टोरी में दम है, उसके वजह से सिर्फ चाइना में 850 से 900 करोड़ करेगी। ये बात ध्यान से सुनिएगा, इनके हिसाब से एक्चुअली स्टोरी में दम है, वो मैं भी मानता हूँ, और मैं इसलिए मैं बहुत श्योर हूँ कि फिल्म धमाकेदार चलेगी। लेकिन मैं कलेक्शंस के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर था, मेरे को समझ भी नहीं आता कितना कमाएगी, क्योंकि पहली फिल्म है, ठीक है। लेकिन मैंने जब 5 रीजंस बताए थे चाइना में, उस वक्त ये भी बताया था कि एक रीज़न कि वहाँ पर दंगल से बजरंगी भाईजान को कंपेयर कर रहे हैं और बस बहुत स्ट्रांग चल रहा है ना चाइना में, बहुत सारा बस चल रहा है कि यार ये बढ़िया फिल्म है, दंगल जैसी ये भी फिल्म है, दंगल जैसी अगर आपको अच्छी लगी तो ये भी अच्छी लगी, तो इस तरह से बस चालू है। तो इनके हिसाब से 850 से 900 करोड़ ये कमा सकती है। देखिए, आमिर खान के फैन बोल रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ऐसा होता है 850 से 900 करोड़ कमाती है बजरंगी भाईजान, तो टोटल कितना होगा 1500 करोड़। और जब 1500 करोड़ टोटल होगा तो कितना होगा, यहाँ पर आते हैं हम वापस, 1500 करोड़ टोटल होगा तो सीधा आप देख लीजिए, पीके का रिकॉर्ड टूटा, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड टूटा, बजरंगी भाईजान का रिकॉर्ड टूटा, सभी फिल्मों का रिकॉर्ड टूट जाएगा और बजरंगी भाईजान नंबर 2 पे आ जाएगी 1500 करोड़ के साथ। यानी कि सब फिल्मों का रिकॉर्ड टूटने के बावजूद दंगल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। और अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने आगे क्या कहा है, उन्होंने आगे कोई बढ़िया चीज़ कही है कि 101,500 हो जाएगा बट दंगल का लाइफ टाइम कलेक्शंस को छू पाना मुश्किल है। अब यहाँ पर देखिए, अगर सलमान की दूसरी सुल्तान फिल्म चाइना में रिलीज होती है तो दंगल से टक्कर होगा, बिकॉज बजरंगी भाईजान के बाद सलमान जब चाइना में पॉपुलर होगा, मतलब इनका साफ है कि बजरंगी भाईजान के बाद चाइना में सलमान खान बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, और उसके बाद उसकी जो ऑलरेडी हमें कंफर्मेशन तो प्रॉपर नहीं, बट स्टिल अक्टूबर में रिलीज़ हो रही है, ये बातें हैं वहाँ पर साइट पे भी अवेलेबल है myon.com पर कि सुल्तान रिलीज़ होगी। तो जब सुल्तान रिलीज़ होगी तो उसकी दंगल से टक्कर होगी, और तब तक सलमान खान फेमस हो चुके होंगे, तब सुल्तान सलमान को फ़ायदा दिला सकता है दंगल से टक्कर लेने के लिए। यानी कि अभी ये फिल्म बजरंगी भाईजान का चांस वैसे नहीं है दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन जब सुल्तान रिलीज होगा तो वो शायद तोड़ सकता है। यानी कि इनके हिसाब से जो सुल्तान मूवी आई थी इस लिस्ट में छठे नंबर पे 589, इनके हिसाब से ये फिल्म 1,500 करोड़ कमाएगी, तभी तो जाके टूटेगा ना ये रिकॉर्ड, क्योंकि 589 करोड़ करीबन 1,400 या 1,500 करोड़ कमाएगी, तभी जाके दंगल का रिकॉर्ड टूटेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ओवर कहा है या बहुत ही ज़्यादा कहा है, मेरे ख्याल से बहुत लॉजिकल बातें कही है, और एक आमिर खान का फैन होते हुए सलमान खान की फिल्म के बारे में ये बात कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जो लोग अब ये कहते होंगे नहीं यार तू क्या बोल रहा है ये, तो आप समझ ही जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ,
खुद आमिर खान के फैन क्लब फैन है ये, और ये ऐसी बात कर रहे हो जो मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रही है। तो आप ही समझ जाइए कि फिल्म का कलेक्शन कितना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे भी अब उम्मीद बंधी है। मैं जो 200 250 करोड़ 300 करोड़ सोच रहा था बजरंगी भाईजान का, मेरे ख्याल से ये फिल्म मिनिमम 500 करोड़ कमाएगी और यहाँ तक भी जा सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से लॉजिक इनका सही लग रहा है। क्योंकि देखो चाइना सॉरी दंगल की कहानी फीमेल ओरिएंटेड है, सुपर सीके सुपरस्टार की कहानी फीमेल ओरिएंटेड है, और दोनों मूवी इमोशनल थी और दोनों बहुत चली है। और उसके बाद आप अगर ध्यान दो, चाइना के ई स्टार से जो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, उसने खरीदा है बजरंगी भाईजान को, और उसको भी पता है इसकी स्टोरी भी लगभग वैसी है। तो वो सब लॉजिक को देखते हुए ये तर्क सही दे रहे हैं कि 850 से 900 करोड़ चाइना में करेगी बजरंगी भाईजान, उसके बाद सलमान सुपरस्टार हो जाएंगे, उनकी उनकी सुल्तान भी रिलीज होगी। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं और कितना कलेक्शन हो सकता है बजरंगी भाईजान का चाइना में, ज़रूर अपडेट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।